अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक एन अदर वीडियो दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक वायरिंग सर्किट डायग्राम वॉशिंग मशीन जो कपड़ों धोने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसकी डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो ये हमने एक पॉजिटिव लाइन लगाई हुई तार लगाई हुई है और एक ये नीचे नेगेटिव, ये इसका फ्यूज़ लगाया हुआ है, ये इसके बल्ब लगाया हुआ है जो ऊपर रोशनी अगर हम तार लगाते हैं तो वो ऑन हो जाती है, तो वो पता चलता है कि हमारी वॉशिंग मशीन चल गई है। उसके बाद यहाँ से उसने एक घंटी लगाई हुई है और ये इसका टप है जिसमें हम पानी डाल के कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये टाइमर है, ये सेक्टर स्विच है जो कि घूमता है, घुमाने के लिए मशीन को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको हम जिस वक्त घुमाएंगे तो मशीन चलना स्टार्ट कर देगी। और ये नीचे उसकी मोटर लगी हुई वॉशिंग मशीन मोटर, ये तो ये यहाँ ऊपर उन्होंने कैपेसिटर लगाया हुआ है और यहाँ से उन्होंने सी आर और एस तीन तारे लगाई हैं, दो कैपेसिटर को जा रही हैं और एक डायरेक्ट आ रही है। उसके बाद ये वॉशिंग मशीन की थी, तो ये उन्होंने ये इधर फ्यूज़ लगाया और इसकी भी सप्लाई 220 वोल्ट होगी। तो ये टॉप था और उसके अंदर है जहाँ हम पानी डाल के सर्फ़ डाल के कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी ये वायरिंग सर्किट डायग्राम वॉशिंग मशीन की। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।